सामाजिक संस्था के तत्वाधान में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कई झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा मिनी स्टेडियम में मटकी फोड़ कार्यक्रम के आयोजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कार्यक्रम में पहुंचे और कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे पूर्वजों की संस्कृति की निशानी है। साथ ही साथ कहा कि पूरे विश्व संकट की घड़ी से जूझ रहा है, सबको कोविड-19 के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। दिनेशपुर से दीपांकर सरकार की रिपोर्ट। हमारे पूर्वजों की हमारी संस्कृति की निशानी है और ये त्यौहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं पावन पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह त्यौहार हम लोगों के जीवन में हमेशा आता रहे और जो इस त्यौहार की मुख्य भाषा है, मुख्य संदेश है समाज को जोड़ने का। मैं चाहूँगा पूरा हिंदुस्तान एक रहे और सदियों तक हमें जन्माष्टमी मनाते रहें। मैं पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पवित्र त्यौहार की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।